Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय गया और इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवान और इसमें आज हम द्वितीय व्याख्यान सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिकों की स्थिति पर चर्चा करेंगे प्रारंभ में हम इस व्याख्यान का उद्देश्य समझ लें इस व्याख्यान के तहत हम लोग सामूहिक सौदेबाजी के अर्थ और संकल्पना को समझेंगे तत्पश्चात सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न दृष्टिकोण को समझेंगे सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य और विषय को भी हम लोग समझेंगे उसके पश्चात सामूहिक सौदेबाजी के पक्षकार कौन कौन हैं या फिर सामूहिक सौदेबाजी की पूर्व अपेक्षाएँ क्या हैं इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे हम सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न मुद्दों को भी समझेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो सामूहिक सौदेबाजी को प्रभावित करते हैं भारत में सामूहिक सौदेबाजी के विकास को जानना इस व्याख्यान का एक और उद्देश्य रहेगा इसके पश्चात हम औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में सामूहिक सौदेबाजी के जो उपबंध हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे और भारत में सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं क्या प्रयास किए जाने चाहिए इसको भी हम इस व्याख्यान में समझेंगे सामूहिक सौदेबाजी सामूहिक सौदेबाजी बेसिकली जो औद्योगिक विकास हुआ है उस औद्योगिक विकास में वर्कर्स को कर्मचारियों को या फिर नियोक्ता को यूनाइट करने का एक संकल्पना है उनको एक साथ लाने की एक संकल्पना है जब हम लेजिस्टर स्टेट में थे जहां पर अहस्तक्षेप की नीति चलती थी तो अहस्तक्षेप की नीति में राज्य को ये प्राधिकार नहीं था कि वो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करे ऐसे में जो नियोक्ता था उसका उस उद्योग में प्रभुत्व हुआ करता था और सारी चीज़ें जो भी प्रबंधन के मामले होते थे उस उद्योग के वो नियोक्ता के द्वारा ही निर्णित किए जाते थे और कर्मचारियों का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं होता था क्योंकि अकेले कर्मचारियों की कोई परिस्थिति नहीं थी इनका कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी कि ये अपने नियोक्ता के समक्ष कुछ मांग रख सकते हैं और उस मांग को पूरित किया जाए लेकिन जैसे ही हम वेलफेयर स्टेट में एंटर करते हैं उस दौरान कुछ विकास कुछ कुछ संकल्पनाएं डेवलप होती हैं विकसित होती हैं और उस संकल्पनाओं में से एक संकल्पना है सामूहिक सौदेबाजी जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं मुक्त बाजार में अगर हम हस्तक्षेप की नीति को देखें तो मुक्त बाजार में श्रमिकों पर नियोक्ताओं का प्रभुत्व हुआ करता था नियोक्ता प्राय रोजगार के नियम और शर्तें तय किया करते थे नियोक्ता को नौकरी पर रखने और निकालने का निरंकुश अधिकार हुआ करता था और यह निरंकुश अधिकार नियोक्ता को हायर और फायर की आ, का, का अधिकार दिया हुआ था नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को कभी भी नियोजन में रख सकता है और कभी भी नियोजन में नियोजन से निकाल सकता तो ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी है या जो कर्मचारियों का समूह है इनका जो आर्थिक हित है यह सुरक्षित नहीं हो पाता था और, और इसी संदर्भ में सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना का या संभावना का विकास होता है कि जो भी डिमांड जो भी मांग एक पर्टिकुलर कर्मचारी का है अपने नियोक्ता के प्रति नियोक्ता शायद उस पर ध्यान ना दे लेकिन अगर ऐसी कोई मांग सारे कर्मचारी एक साथ प्रस्तुत करें और नियोक्ता पर दबाव डालें तो शायद नियोक्ता उन मांगों को पूरा करने में अपनी सहमति जाहिर करती है तो ऐसे में सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों को एक साथ लाने की एक टेंडेंसी है एक प्रवृत्ति है उनको यूनाइट करने की एक संकल्पना है और सामूहिक शक्तिबाजी किसी भी सामूहिक सौदेबाजी किसी भी उद्योग में श्रमिकों के संयुक्त शक्ति की पहचान है श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जहां तक मामला है अगर आप समूह की बात करेंगे तो आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा उसमें रेस्ट्रिक्शन लगेगा और श्रमिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो थोड़ी सी प्रभावित होगी और और इस सामूहिक सौदेबाजी की जो संकल्पना का विकास होता है इसको मान्यता तब मिलती है जब ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन होता है इनको वैधानिक मान्यता और और इसका एक एक लंबा इतिहास रहा हुआ है हम उसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले हम समझें सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ उसके बाद उसकी संकल्पना सिडनी और बिट्राइस ने, ने अठारह में दोनों अमेरिकन लेखक हैं उन्होंने अट्ठारह में सामूहिक सौदेबाजी शब्द की खोज की थी सामूहिक सौदेबाजी जैसा कि यहाँ पर संदर्भित होता है एक औद्योगिक विकास का एक परिणाम है और इसलिए ये संकल्पना प्राय उसी समाज में विकसित होती हुई दिखाई दे रही है जहां पर औद्योगिक विकास हुआ है हारबिसन ने उन्नीस में इस शब्द को दो संस्थाओं के बीच समायोजन की एक प्रक्रिया माना समायोजन की प्रक्रिया किसके किसके बीच औद्योगिक संबंध में जब हम औद्योगिक संबंध को निर्धारित करते हैं या फिर औद्योगिक संबंध को स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक समायोजन होता है और उस सामाजिक उस उस सामाजिक समायोजन के लिए यहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग किया जाता है और इसी संदर्भ में हार्बिसन का कहना है कि यह दो संस्थाओं के बीच समायोजन की एक प्रक्रिया है जिसमें समान और परस्पर विरोधी हित होते हैं अगर हम समान हित की बात करें तो समान हित यहाँ पर यह है कि नियोक्ता और कर्मचारियों के लिए समान हित है उनका आर्थिक हित आर्थिक हित का संरक्षण दोनों के लिए समान है नियोक्ता का आर्थिक हित और कर्मचारियों का आर्थिक हित इन दोनों के लिए कॉमन है और इन दोनों का जो आर्थिक हित है वो पूरे उद्योग के आर्थिक हित पर आश्रित है अगर उद्योग में उत्पादन नहीं होगा और उसको आर्थिक लाभ नहीं होगा तो नियोक्ता और कर्मचारी के आर्थिक हित की भरपाई नहीं हो पाएगी आई ने उन्नीस में एक मैनुअल एडॉप्ट किया था जिसका नाम है श्रमिक शिक्षा मैनुअल और इस श्रमिक शिक्षा मैनुअल में सामूहिक सौदेबाजी को समझौते पर पहुंचने की दृष्टि से नियोक्ता और कर्मचारी के बीच काम करने की स्थिति और रोजगार की शर्तों के बारे में बातचीत का माध्यम माना है यह एक बातचीत का माध्यम है बातचीत का माध्यम किसके किसके बीच नियोक्ता और कर्मचारी के बीच नियोक्ता जिसकी सामाजिक प्रास्थिति बहुत मजबूत है कर्मचारी जिसकी सामाजिक प्रास्थिति बहुत कमजोर है ऐसे में नियोक्ता कर्मचारी की बातों को माने समझे यह आवश्यक नहीं है और जैसा कि उद्योगों में सामान्यतः नियोक्ता का प्रभुत्व होता है वो ऐसे कर्मचारियों की बातों को मानना भी नहीं चाहता ऐसे में अगर कर्मचारी इकट्ठे होते हैं अगर वो एक साथ आते हैं यूनाइट होते हैं और अपनी मांग को रखते हैं तो संभवतः है, उनका एक ये यूनाइटेड जो डिमांड होगा वो नियोक्ता पर एक दबाव डालेगा और अंततः नियोक्ता उनकी बातों को मानेगा स्वीकार करेगा और इस तरह से इन दोनों के बीच बातचीत का एक माध्यम है अगर हितों का टकराव है अगर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच हितों का टकराव है तो उस हितों के टकराव को दूर करने के लिए इनका आपस में एक एक जो बातचीत का तरीका है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना होगा और ऐसे में कर्मचारियों के हितों का जो प्रतिनिधित्व है उसको एक सामूहिक सौदेबाजी के रूप में प्रभावी ढंग से रखा जा सकता लेकिन यहाँ पर यह नहीं समझना है सामूहिक सौदेबाजी की जो ये संकल्पना है ये नियुक्ता के लिए भी है और कर्मचारी के लिए है सामूहिक सौदेबाजी दोनों यूज कर सकते हैं गोल्डन ने उन्नीस में भी उद्योग से प्राप्त लाभों को समान रूप से वितरित करने के साधन के रूप में सामूहिक सौदेबाजी को एक एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में माना अगर उद्योग से लाभ हो रहा है और उस लाभ से केवल और केवल नियोक्ता का हित पूरा हो रहा है कर्मचारियों का हित पूरा नहीं हो रहा है तो ऐसे में जो औद्योगिक संबंध है वो प्रभावित होगा तो आप जो कर्मचारी हैं या जो कर्मचारियों का समूह है उनके भी आर्थिक हितों का ध्यान रखना है और ऐसे में जो उद्योग से लाभ प्राप्त होगा उस लाभ का जो वितरण होगा उसका जो बंटवारा होगा उस बंटवारे को निर्धारित करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित हुई है गोल्डन ने इसको उद्योग से प्राप्त लाभों को समान रूप से वितरित करने का साधन माना जैसा हमने आपसे कहा हिली ने 1965 में कहा कि नियम शर्तें और कीमत निर्धारित करने के लिए एक व्यापारिक सौदे के रूप में व्यापारिक सौदे का यहाँ पर तात्पर्य यह हुआ है कि जो 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 आ, इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई है उसमें जो नियोजन हो रहा है वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है वैसे में कर्मचारियों को नियोजित करने का क्या नियम होगा उनके कार्य की शर्तें क्या होंगी उनके श्रम का कीमत क्या होगा इन सारी चीज़ों को निर्धारित करने के लिए एक एक सौदा किया, किया जाता है एक समझौता किया जाता है नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में और ये जो सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना है इस व्यापारिक सौदे को एक मूर्त रूप देने में भूमिका दे। भारत में उच्चतम न्यायालय ने 1990 में करनाल लेदर्स के मामले में कहा कि तकनीक सामूहिक सौदेबाजी एक तकनीक है जिसके माध्यम से औद्योगिक विवाद को समझौते द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है इसका मतलब ये हुआ इसका तात्पर्य हो गया कि सामूहिक सौदेबाजी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जो विवाद हुआ है जो हितों का टकराव हुआ है उस विवाद को निपटाने के लिए हितों के टकराव को खत्म करने के लिए एक समझौते के रूप में यूज़ किया जाता है और इस सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाता है सामूहिक सौदेबाजी एक गतिशील अवधारणा है जो औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में विकसित हुई है सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना सामान्य सी बात है वहीं पर ज़्यादा या पहले डेवलप होगी वहीं पर विकसित होगी जहाँ पर वर्कर्स के कर्मचारी के शिक्षा का स्तर थोड़ा बेहतर होगा आईएलओ विश्व व्यापार रिपोर्ट ने उन्नीस सौ अंठानवे में कहा कि कमजोर सामूहिक सौदेबाजी अगर है तो वहाँ पर राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा राज्य की भूमिका वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगी अगर साम सामूहिक सौदेबाजी मजबूत है किसी उद्योग में तो वहाँ पर राज्य की भूमिका कम हो जाती है वहाँ पर कर्मचारियों को कैसे उनका हित प्रोटेक्ट करना है संरक्षित करना है कैसे उनको अपने मांगों को पूरा करवाना है उसके लिए वो नियोक्ता पर दबाव डालने में सक्षम होंगे उस सामूहिक सौदेबाजी की बदौलत और उनको उनके हितों का संरक्षण मिलेगा लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री में किसी उद्योग में अगर सामूहिक सौदेबाजी कमजोर है ढेर सारे कारण हो सकते हैं सामूहिक सौदेबाजी के कमजोर होने का या उनके करने का ऐसे में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है और राज्य अपनी भूमिका का निर्वहन करता है सामूहिक सौदेबाजी की जो प्रणाली है ये ब्रिटेन और अमेरिका में विकसित हुई है जैसा मैंने कहा कि विकसित राष्ट्रों में इसका विकास हुआ है और हम मानते भी हैं कि जो औद्योगिकरण हुआ है जो जो इंडस्ट्राइजेशन हुआ है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले हुआ है इसलिए उन्हीं की ये संकल्पना है सैद्धांतिक रूप से भारत ने भी इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया है भारत में भी कलेक्टिव बारगेनिंग को एक मान्यता मिली हुई है सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता मिला हुआ है और जो कर्मचारीगण है उस सामूहिक सौदेबाजी को यूज करके वो नियोक्ता पर अपना दबाव डाल करके अपनी मांगों को मनवाने में सक्षम रहे हुए हैं के कन्वेंशन 98 और उसके रिकमेंडेशन संस्तुति 91 वन में सामूहिक सौदेबाजी को एक मौलिक अधिकार माना है अगर वर्कर्स को कर्मचारियों को सामूहिक समझौते का अधिकार मिल जाएगा तो इसके माध्यम से वो अपने हितों का संरक्षित कर पाएंगे और इसके लिए इस अधिकार को सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का रूप दिया गया है आई एल 98 के द्वारा और आईएलओ कन्वेंशन 98 कहता है कि सामूहिक सौदेबाजी का सम्मान करना इसे बढ़ावा देना और उसे सर साकार करने का दायित्व राज्य पर है जो भी मेंबर स्टेट हैं आईएलओ के उनको सामूहिक सौदेबाजी की जो संकल्पना है उसको उसको सम्मान करना है उसको बढ़ावा देना है और उसे साकार करने का दायित्व उसे मूर्त रूप देने का दायित्व भी राज्य के ऊपर है सामूहिक सौदेबाजी नियोक्ताओं और कर्मचारियों का अधिकार है सामूहिक सौदेबाजी बाजी का उपयोग नियोक्ताओं के द्वारा भी किया जा सकता है सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग कर्मचारियों के द्वारा भी किया ये दोनों को उपलब्ध अधिकार है इसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग निजी क्षेत्र में भी किया जा सकता है और इसको आप सार्वजनिक क्षेत्र में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन राज्य की नीति के अनुसार कुछ आ, आ, स्थापनाएं ऐसी हो सकती हैं जहां पर सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग करने का आ, आ, अधिकार ना हो जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें उदाहरण देखें जो सशस्त्र बल हैं या जो पुलिस बल हैं लोक सेवक हैं इनको सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार है वो अवेलेबल नहीं है वो सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग नहीं कर सकते सामूहिक सौदेबाजी का दृष्टिकोण कैसे ये सामूहिक सामूहिक सौदेबाजी एक गतिशील अवधारणा है कैसे ये समय के साथ बदलती रहती है इस विषय पर हम चर्चा करते हैं सामूहिक सौदेबाजी के दृष्टिकोण का जो नया रूप विकसित हुआ है वो उद्योग सौदेबाजी से उद्यम सौदेबाजी तक उद्योग सौदेबाजी का यहां पर तात्पर्य हुआ कि सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग पूरे उद्योग में उद्योग स्तर पर करना लेकिन अब एक नया स्वरूप इसका एक नया दृष्टिकोण विकसित हो रहा है और वो है उद्यम सौदेबाजी अगर एक ही इंडस्ट्री में ढेर सारे यूनिट्स हैं ढेर सारे अंडरटेकिंग्स हैं तो उस यूनिट्स में अंडरटेकिंग्स में अलग अलग सौदेबाजी का उपयोग किया जा रहा है सामूहिक सौदेबाजी का दृष्टिकोण उद्योग सौदेबाजी सौदेबाजी या फिर रियायती सौदेबाजी के रूप में है और यह कभी कभी समग्र सौदेबाजी के रूप में भी देखता है उद्योग सौदेबाजी में बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में उद्योग स्तर पर सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग होता है दूसरी तरफ उद्यम सौदेबाजी में उद्यम सौदेबाजी में सामूहिक जो सौदेबाजी है इसको श्रम संबंधों में व्यक्तिकरण के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है एक यूनिट के लोगों का अपना सामूहिक सौदेबाजी अलग होगा दूसरे यूनिट के लोगों का सामूहिक सौदेबाजी अलग होगा एक शिफ्ट में काम करने वाले लोगों का सामूहिक सौदेबाजी अलग होगा अलग शिफ्ट में काम करने वाले लोगों का सामूहिक सौदेबाजी अलग होगा इस तरह से उसका विभाजन हो जाता है और ये विभाजन कहीं ना कहीं जो सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना है उसको ये थोड़ा सा प्रभावित करती है इसके अलावा एक एक और दृष्टिकोण है जिसको हम रियायती सौदेबाजी कहते हैं और रियायती सौदेबाजी एक ऐसी सौदेबाजी है कि अपने नियोक्ता द्वारा या फिर राज्य के द्वारा कोई रियायत लेने के लिए जो कर्मचारी या उनके ट्रेड यूनियन या फिर उनके समूह संघ हैं वो एक सौदेबाजी करते हैं और उस सौदेबाजी में वो अपनी हितों से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं रियायत पाने के लिए क्या होता है जैसे आर्थिक मंदी के दौरान जो रियायत सौदेबाजी है वो ये तैयार हो जाएगी जो वर्कर्स का यूनियन है जो कर्मचारियों का संघ है वो ये तैयार हो जाएगा कि ठीक है हमारी नौकरी मत खत्म कीजिए हमारा एम्प्लॉयमेंट मत ब्रेक कीजिए हमारी सैलरी कम कर दीजिए वेतन में कटौती और संयम और काम के घंटे कम करना नई भर्ती पर रोक अतिरिक्त समय पर प्रतिबंध श्रमिकों का पुनः प्रशिक्षण स्वैच्छिक सेनावृत्ति सेवानिवृत्ति ये सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर एक रियायती सौदेबाजी की संकल्पना या दृष्टिकोण विकसित हुआ है जब भारत में हम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का जो नियम है उसको पढ़ते हैं उसकी जो विधि है उस पर पढ़ते हैं तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहीं न कहीं रियायती सौदेबाजी का का एक परिणाम है जहाँ पर जो कर्मचारी संघ है वो राज्य से या फिर अपने नियुक्ता से कोई एक रियायत मांग रहा है एक फेवर मांग रहा है इसके पश्चात एक एक और दृष्टिकोण डेवलप हुआ है जिसे कहते हैं समग्र सौदेबाजी ये समग्र सौदेबाजी पारंपरिक से गैर पारंपरिक मुद्दे को सम्मिलित करता है जैसे अगर हम पारंपरिक मुद्दों की बात करें तो पारंपरिक मुद्दे होते थे कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन क्या होगा उनके काम के घंटे कितने होंगे उनके वेतन का भुगतान कब होगा उनको बोनस कब दिया जाए ये पारंपरिक मुद्दे हैं और गैर पारंपरिक मुद्दे हैं कि कर्मचारी के जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए या फिर एम्प्लॉयर के लिए नियोक्ता के लिए उत्पादकता में सुधार कैसे किया जाए तो इन सब मामलों के लिए एक सौदेबाजी शुरू हुआ और इस सौदेबाजी को कहते हैं समग्र सौदेबाजी और यह समग्र सौदेबाजी गैर पारंपरिक मुद्दों को भी शामिल करता है इसमें पारंपरिक मुद्दों के अलावा और मुद्दे जो समय के साथ विकसित होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य मुक्त व्यापार संघ का अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ ये कहता है कि जो सामूहिक सौदेबाजी है सामूहिक सौदेबाजी श्रमिकों के अधिकारों का विधेयक है बिल ऑफ राइट ऑफ लेबर्स यह श्रमिकों के अधिकारों का एक विधेयक है बिल ऑफ राइट्स है और, और इस तरह से इस सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना का महत्व और बढ़ जाता है और और इसको रिकॉग्नाइज करना मान्यता देना उसे उपयोग में लाना आवश्यक हो जाता है सामूहिक सौदेबाजी में संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं पहला है कार्यस्थल पर संघ को प्राधिकार के रूप में मान्यता देना कार्यस्थल पर संघ को प्राधिकार के रूप में मान्यता देना कभी कभी ये देखा जाता है कि अगर किसी उद्योग में कर्मचारियों ने अपना संघ बनाया या फिर वो किसी संघ के सदस्य बनते हैं तो नियोक्ता उसका परमिशन नहीं देता है या नियुक्ता उस पर आपत्ति व्यक्त करता है नियुक्तों को पता है कि अगर ये एकत्रित हो जाएंगे एक साथ अगर डिमांड करेंगे तो वो एक मजबूत स्थिति में होंगे और नियोक्ता पर दबाव बनाने में सक्षम होंगे ऐसी स्थिति में नियोक्ता नहीं चाहता है कि सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता मिले लेकिन जब हम लोक कल्याणकारी राज्य में आते हैं तो सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता देना ये राज्य का दायित्व है और राज्य एक एक, एक लो, लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते इसकी एक एक, एक जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उनके हितों के संरक्षण के लिए वो प्रयास करें और सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता दें तो कार्यस्थल पर संघ को प्राधिकार के रूप में मान्यता देना सामूहिक सौदेबाजी का एक उद्देश्य है इसका अगला उद्देश्य है श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना जो श्रमिक हैं उनका जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना आपका जो नियोक्ता है जो एम्प्लॉयर है वो केवल और केवल न्यूनतम मजदूरी पे करने के बारे में सोचता है। न्यूनतम मजदूरी पे करके वो सोचता है कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लिया लेकिन क्या उस न्यूनतम मजदूरी से श्रमिकों के जीवन स्तर में कोई बदलाव आ रहा है क्या उनका जीवन स्तर उच्च हो रहा है नहीं हो रहा है इसके लिए जो सामूहिक सौदेबाजी है ये काम करेगा और उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में एक भूमिका निर्वहित करेगा सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य यह भी है कि कंपनी में अगर मुनाफा हो रहा है तो उस मुनाफे में कैसे बेहतर हिस्सा श्रमिकों को प्रदान किया जाए उनको क्या बोनस दिया जाए कब बोनस दिया जाए और कितना बोनस दिया जाए ये सारी बातें इस तथ्य पर आधारित हैं कि उस कंपनी को उस उद्योग को कितना लाभ हो रहा है और ऐसे में कम मुनाफे में बेहतर हिस्सा पाने के लिए श्रमिकों का जो भूमिका है सामूहिक सौदेबाजी की भूमिका है वो महत्वपूर्ण इसके साथ ही साथ सामूहिक सौदेबाजी का उद्योग श्रमिकों के साथ उचित सम्मान किया जाना भी है कर्मचारी या श्रमिक ये भी एक मानव है और ऐसे में मानवीय आधार पर उनके साथ उचित सम्मान और व्यवहार किया जाना भी उनका एक अधिकार है अगर वो नियोजित होते हैं इसका ये मतलब नहीं कि अपनी गरिमा का उन्होंने समर्पण कर दिया है उनको उनके नियोक्ता के द्वारा एक गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और यह उद्देश्य सामूहिक के द्वारा किया जाएगा सामूहिक का यह भी उद्देश्य है कि कार्य स्थितियों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में श्रमिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी हो औद्योगिक प्रबंध में केवल नियोक्ता अगर निर्णय लेगा तो ऐसे में कर्मचारियों के हितों का संरक्षण होना संभव नहीं है तो कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए सामूहिक सौदेबाजी को एक महत्वपूर्ण मा, माध्यम के रूप में यूज़ किया जाएगा और इसके द्वारा एक लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी इसके अतिरिक्त सामूहिक सौदेबाजी विवादों को निपटाने के लिए व्यवस्थित प्रथाएं स्थापित करता है अगर इंडस्ट्री में उद्योग में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में विवाद है तो उस विवाद का अतिशीघ्र निपटारा किया जाना बहुत आवश्यक है अगर ये निपटारा समय से नहीं किया जाता है तो औद्योगिक संबंध प्रभावित होगा और ऐसे में औद्योगिक संबंध प्रभावित ना हो औद्योगिक विवादों का समय पर निपटारा हो सके तो कौन सी प्रथाएं वहां पर विकसित की जाए किस माध्यम से उन विवादों का निपटारा होगा उसके लिए जो प्रथाएं विकसित की जाएंगी उसमें भी सामूहिक सौदेबाजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है इसके साथ ही साथ सामूहिक सौदेबाजी का जो उद्देश्य है वह है श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना अगर किसी भी तरह से श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है नियोक्ता उस पर ध्यान नहीं दे रहा है राज्य उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से जो ट्रेड यूनियंस हैं वो इस बात को आ, सामने रख सकते हैं और अपने मांग को पूरा कराने के लिए नियोक्ता पर दबाव डाल सकते हैं सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच मतभेद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना है सामूहिक सौदेबाजी वह माध्यम है जिसके 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 उपयोग से नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जो मतभेद हैं उन मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हम आ, हल कर सकते हैं और इसके माध्यम से औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित कर सकते हैं तो औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित करने में कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व देने में सामूहिक सौदेबाजी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और और सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से रोजगार गैर रोजगार रोजगार की शर्तें सेवा की शर्तें आदि का निर्धारण किया जाता है और जिसके माध्यम से हम औद्योगिक संबंध को सुचारू रूप से सुनिश्चित करते हैं सामूहिक सौदेबाजी के विषय सामूहिक सौदेबाजी के विषय अगर हम आईएलओ को देखें तो आईएलओ के अनुसार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसकी दो श्रेणियां हैं एक श्रेणी है रोजगार के मानक से संबंधित और दूसरा है पक्षों के बीच संबंधों से संबंधित तो सामूहिक सौदेबाजी का जो यह विषय है उसके रोजगार के मानक के रूप में इसका इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी उद्योग में जो कार्य करने की स्थितियाँ हैं उनकी शर्तें हैं रोजगार की क्या शर्तें हैं उन सबको निर्धारित किया जाएगा और रोजगार की शर्त युक्त युक्त हो इसके लिए अगर नियोक्ता असफल होता है तो सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से ट्रेड यूनियन उस पर दबाव बना करके उसको परिवर्तित करा सकते इसके साथ ही साथ सामूहिक सौदेबाजी पक्षों के बीच यहाँ पर पक्षों से तात्पर्य नियोक्ता और कर्मचारी हैं पक्षों के बीच संबंधों को विनिमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन दोनों पक्षों के बीच में जो संबंध है जिसको हम विस्तृत अर्थ में औद्योगिक संबंध कहते हैं उस औद्योगिक संबंध का स्वस्थ और आ, का औ, और और अच्छा होना बहुत आवश्यक है और इसमें सामूहिक सौदेबाजी का महत्वपूर्ण योगदान है रोजगार के मानक से संबंधित जो आ, उदाहरण है उसमें हम वेतन कार्य के घंटे छुट्टियां अनुबंध की समाप्ति आदि विषयों को शामिल करते हैं और दूसरी तरफ जो पक्षों के बीच संबंधों से संबंधित है जो दोनों पक्षकार हैं उनके बीच जो संबंध है वहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी कैसे आ, कारगर है उसके लिए सामूहिक सौदेबाजी का प्रवर्तन औद्योगिक विवाद के निपटारे की विधि सामूहिक विवाद और बातचीत की प्रक्रियाएं यूनियन को सौदेबाजी एजेंट के रूप में मान्यता देना हड़ताल और तालाबंदी का सहारा न लेना संघ के सदस्यों के की भर्ती में प्राथमिकता और समझौते की अवधि है ये सारी बातें ऐसी हैं जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध को सुनिश्चित करती हैं अगर सामूहिक सौदेबाजी का प्रवर्तन नहीं होगा तो फिर जो औद्योगिक संबंध है वो प्रभावित होगा अगर औद्योगिक विवाद को निपटारे का निपटारा करने के लिए कोई कोई प्रथा डेवलप नहीं की जाएगी कोई विधि नहीं है तो वहाँ पर आपका जो सामूहिक सौदेबाजी है वो प्रभावित होगा या फिर यूनियन को सौदेबाजी के एजेंट के रूप में मान्यता देना अगर कोई नियोक्ता है जो अपने उद्योग के संबंध में अपनी इंडस्ट्री के संबंध में सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता नहीं देता है तो वहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी का यूज़ का उपयोग करने में कर्मचारी असफल रहेंगे और उनके हितों का संरक्षण नहीं हो पाएगा और ऐसे में सामान्यतः औद्योगिक संबंध प्रभावित होगा संघ के सदस्यों की भर्ती में प्राथमिकता और समझौते की अवधि ये विषय हैं जो पक्षों के बीच संबंधों से संबंधित हैं और यहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी की भूमिका महत्वपूर्ण है सामूहिक सौदेबाजी के पक्षकार और पूर्वेक्षाएँ कौन कौन इसके पक्षकार हैं और सामूहिक सौदेबाजी के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं सामूहिक सौदेबाजी के पक्षकार हैं अगर आप प्रबंधन की बात करेंगे तो अकेले आपका जो मैनेजमेंट है वो अकेले या संघ के रूप में या फिर एक फेडरेशन के रूप में महासंघ के रूप में वो एक पक्ष है और दूसरा पक्ष आपका सामूहिक सौदेबाजी का है श्रमिक या श्रमिकों का कोई संघ या फिर उनका संघों का कोई महासंघ फेडरेशन जिसको कहते तो सामान्यतः सामूहिक सौदेबाजी में दो पक्षकार हैं एक है मैनेजमेंट प्रबंध और दूसरे तरफ है श्रमिक अगर इसको और आसान शब्दों में देखा जाए तो सामूहिक सौदेबाजी में दो पक्षकार हैं एक आपका नियोक्ता है और दूसरा आपका कर्मचारी इन दोनों का यूनियन या इन दोनों का एसोसिएशन भी इसमें पक्षकार के रूप में रिकोग्नाइज है मान्यता प्राप्त है सामूहिक सौदेबाजी के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं और वो आवश्यकताएं एक तरह से सामूहिक सौदेबाजी के लिए आधार हैं और अगर हम आई एल 87 की बात करें तो जो सामूहिक सौदेबाजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो आवश्यकता है संघ की स्वतंत्रता अगर किसी उद्योग में कर्मचारियों को संगन संघ बनाने का अपना एसोसिएशन बनाने का अधिकार नहीं होगा तो ऐसे में सामूहिक सौदेबाजी वहाँ पर कार्य नहीं कर पाएगी तो कर्मचारियों को अपना संघ यूनियन एसोसिएशन बनाने का अधिकार होना ये सामूहिक सौदेबाजी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है अगर हम भारतीय संविधान पर नज़र डालें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 एक सी में संघ बनाने का अधिकार दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता है संघ बनाने का अधिकार वह भारत में एक एक मूलभूत स्वतंत्रता के रूप में अनुच्छेद उन्नीस एक सी में कर्मचारियों को प्राप्त है वो इसे यूज़ कर सकते हैं इसके साथ ही साथ जो सामूहिक सौदेबाजी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है वह है मजबूत और स्थिर ट्रेड यूनियन का होना अगर किसी उद्योग में एक मजबूत ट्रेड यूनियन नहीं है ट्रेड यूनियन खुद ढेर सारे छोटे छोटे ट्रेड यूनियन में विभाजित है या फिर ट्रेड यूनियन की कोई स्थिर आ, व्यवस्था नहीं है तो संस्कृति नहीं है तो ऐसे में सामूहिक सौदेबाजी उस उद्योग में उपयोग नहीं हो पाएगा तो एक मजबूत और स्थिर ट्रेड यूनियन होना भी एक एक आवश्यकता है एक पूर्व आवश्यकता है सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए इसके साथ ही साथ ट्रेड यूनियन की मान्यता क्या राज्य ने विधि बना करके ट्रेड यूनियन को मान्यता दिया है क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त होगा तभी वो सामूहिक सौदेबाजी को का प्रतिनिधित्व करेगा और उस तरह से सामाजिक सौदेबाजी का जो वो संकल्पना है उसको उपयोग किया जा सकेगा तो ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण है कि क्या ट्रेड यूनियन को मान्यता प्राप्त है भारत में ट्रेड यूनियन को मान्यता 1926 से ही मिला हुआ है जितने भी ट्रेड यूनियन हैं उनके कुछ पूर्व आवश्यकताएँ हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करके कोई भी ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में अपना पंजीकरण करा सकता है और पंजीकरण कराने के बाद उसको कर्मचारियों का उनके संघों का उनके समूहों का एक एक मान्यता प्राप्त एजेंट माना जाता है और और इस तरह से वो सामूहिक सौदेबाजी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं इसके साथ ही साथ आपसी विश्वास और और देने और लेने की इच्छा गिव एंड टेक आ, ये जो आपसी विश्वास और देने और लेने की इच्छा है ये भी सामूहिक सौदेबाजी के लिए अपरिहार्य है आवश्यक है ऐसा मानना है आई नियमावली 1960 का भी अगर कोई भी संघ कर्मचारियों का संघ केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आ, एक एक यूनियन बनाता है और सामूहिक सौदेबाजी का यूज़ करता है तो वो सामूहिक सौदेबाजी एक एक, एक उपयुक्त सौदेबाजी नहीं मानी जाएगी जरूरी नहीं है कि सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग करके जितनी मांगें की जा रही हैं वो सारी मांगें जायज़ हों और नियोक्ता सारी मांगों को पूरा करने की स्थिति में हो तो ऐसे में जो आप अगर एक एक सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग कर रहे हैं अपने हितों के संरक्षण के लिए तो आपको ये भी याद रखना है कि नियोक्ता का हित क्या है उस पर भी आपको ध्यान देना है सामूहिक सौदेबाजी का जो उपयोग हम कर सकते हैं या इसकी जो पूर्व पूर्व आवश्यकता है वह है अनुचित सम प्रथाओं का अभाव अगर किसी उद्योग में अनुचित सम प्रथाएँ होंगी सम प्रथाओं का कोई आ, अनुचित उपयोग नहीं होगा तब वहाँ पर सामूहिक सौदेबाजी अच्छा कार्य कर सकता है सफल हो सकता है और अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है तो आपको सामूहिक सौदेबाजी के सफलता के लिए अनुचित सम प्रथाओं को भी दूर करना पड़ेगा और अनुचित सम प्रथाओं को दूर करने के लिए ढेर सारे विधियों में नियम बनाए गए हैं इसके पश्चात हम सामूहिक सौदेबाजी में जो उभरते हुए मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं सामूहिक सौदेबाजी में जो महत्वपूर्ण और प्रक्रियात्मक मुद्दे हैं उसमें जो केंद्र में मुद्दा रहता है हमेशा से रहा हुआ है और वो मुद्दा है वेतन वेतन सौदेबाजी केंद्रीय मुद्दा है सामान्यतः जो कर्मचारियों का या फिर उनके ट्रेड यूनियन का की मांग होती है वो अधिकतम मामलों में वो मांग उनके वेतन की वृद्धि को लेकर के होता है तो सामूहिक सौदेबाजी के जो मुद्दे हैं उसमें जो केंद्र में है वो वेतन उसमें एक है इसके पश्चात जो सामूहिक सौदेबाजी के उभरते मुद्दे आ रहे हैं वो नौकरी की सुरक्षा नौकरी की सुरक्षा यहाँ पर जो जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी या फिर सिक्योरिटी है उसको लेकर के है जब आप एक ऐसे दौर में हैं एक ऐसे वैश्वीकरण के दौर में हैं जहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत हावी हो गई है और और ऐसे में ढेर सारे परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन या फिर उत्पादकता में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वृद्धि करने का जो दबाव है तो ऐसे चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए जो नौकरी की सुरक्षा है ये भी सामूहिक सौदेबाजी का एक केंद्रीय मुद्दा है और यहाँ पर केंद्रीय मुद्दा से तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी परिस्थिति में अगर अगर आपका कर्मचारी है उस कर्मचारी को तकनीकी ज्ञान नहीं है कल कोई नई तकनीक विकसित होती है उसको तकनीक का ज्ञान नहीं है और और आप तकनीकी का यूज़ किए बिना उपयोग किए बिना अपनी उत्पादकता को नहीं बढ़ा सकते हैं तो क्या ऐसे में आप अपने उस पूर्व कर्मचारी को अपने नियोजन से हटा देंगे या फिर आपने उस कर्मचारी को नौकरी की सुरक्षा दे रखी है आप उसको तकनीकी प्रशिक्षण दे करके उसके लिए सक्षम बनाएंगे तो ये सब मुद्दे सामूहिक सौदेबाजी के उभरते मुद्दों में हैं इसके साथ साथ कार्य जीवन की गुणवत्ता कर्मचारी अब कर्मचारियों के लिए केवल वेतन माने नहीं रखता है वेतन एक समय केंद्रीय मुद्दा हुआ करता था आज भी अधिकतम केसों में वेतन एक केंद्रीय मुद्दा है लेकिन इसके साथ ही साथ सामूहिक सौदेबाजी का यूज करके जो कर्मचारी हैं ये एक, एक, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन की भी मांग करते हैं उनका और ये गुणवत्तापूर्ण जो जीवन है अधिक उत्पादकता से संबंधित है अगर जो जो कार्य की दशाएं होंगी वो स्वस्थ होंगी और और इनके लिए पर्याप्त उसकी कार्य जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अगर प्रयास किए जाएंगे नियोक्ता के द्वारा तो उत्पादकता में वृद्धि होगी इसके लिए भी स्वामिक सौदेबाजी का उपयोग किया जाता है इसके बाद उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए संघ और प्रबंधन के बीच सहयोग संघ और प्रबंधन के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए यह सहयोग उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है इसको सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी एक माध्यम के रूप में यूज़ किया जा सकता है या फिर सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से संघ और प्रबंधन आपस में सहयोग करते हैं आपस में सहयोग करने की दिशा में अग्रसर होते हैं इसके साथ ही साथ जो सामूहिक सौदेबाजी के उभरते मुद्दे हैं इस, इस वैश्वीकरण या फिर तकनीकी वर्ल्ड में दुनिया में वह तकनीकी परिवर्तन अगर तकनीकी परिवर्तन होता है तो एक समस्या यह आती है कि उस तकनीकी परिवर्तन का जो खर्च है क्या पूरा का पूरा खर्च नियोक्ता उठाएगा या फिर कर्मचारी भी उसे उठाएंगे क्योंकि उस तकनीकी परिवर्तन के संदर्भ में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के माध्यम से उत्पादकता को सुनिश्चित किया जा सकता है तो ऐसे में पूरा का पूरा खर्च केवल और केवल नियोक्ता वहन करेगा या फिर कर्मचारियों को भी उस खर्च को वहन करने के लिए तैयार होना चाहिए ये जो आ, तकनीकी परिवर्तन की लागत का बंटवारा है ये भी कभी कभी सामूहिक सौदेबाजी का एक गंभीर मुद्दा बनता है जब नियोक्ता यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी परिवर्तन की लागत का कुछ अंश कर्मचारियों के ऊपर भारत किया जाएगा और कर्मचारी उससे सहमत नहीं होते हैं तो ये भी एक मुद्दा है इसके साथ ही साथ जो महिलाओं के मुद्दे हैं जो आज वर्कप्लेस पर एक गंभीर आ, आ, समस्या के रूप में देखा जा रहा है जब वर्कप्लेस पर महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के शोषण और अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं तो ऐसे में सामूहिक सौदेबाजी का यूज़ करके महिलाओं के मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से नियोक्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और उसको पूर्ति कराया जा सकता है भारत में सामूहिक सौदेबाजी जैसा कि मैंने कहा भारत में सामूहिक सामूहिक सौदेबाजी को एक तरह से संवैधानिक मान्यता मिला हुआ है जब भारत के संविधान के अनुच्छेद उन्नीस वन सी में संघ बनाने का अधिकार मिला हुआ है तो सामान्यतः उस संघ को एक मान्यता प्राप्त है और वो संघ मान्यता प्राप्त कर लेता है आ, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत और इस तरह से भारत में सामूहिक सौदेबाजी को एक विधिक मान्यता प्राप्त है वो संवैधानिक भी है और विधिक भी है भारत में सामूहिक सौदेबाजी तुलनात्मक रूप से एक नया डेवलपमेंट है एक नई विकास है अगर हम इसके इतिहास को देखें तो श्रम पर जो रॉयल कमीशन ब्रिटिश पीरियड में बना था उसने सामूहिक सौदेबाजी को अपनी चर्चा के केंद्र में रखा था और वो सामूहिक सौदेबाजी पर सक्षम हुआ था एक, एक अपना वो डिसीजन लेने में भारत में श्रमिक समस्याओं को हल करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और अगर हम इसको पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों के संगठन के अधिकार को मान्यता मिला था पहला जो अपना पंचवर्षीय योजना रहा हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद स्वतंत्रता के बाद वहाँ पर श्रमिकों के संगठन के अधिकार को मान्यता दिया गया उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विवादों के आपसी समाधान की आवश्यकता को मान्यता दी गई औद्योगिक विवादों के आपसी समाधान की आवश्यकता को मान्यता देने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि अगर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का जो सबसे सफल निपटारा होगा वो होगा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के द्वारा मिलकर के निपटारा करना और और इस औद्योगिक निपटारे के लिए विवाद के निपटारे के लिए जो सामूहिक सौदेबाजी है इसका उपयोग बहुत आवश्यक है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको मान्यता दी गई इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वैच्छिक मध्यस्थता की आवश्यकता को मान्यता दी गई यहाँ पर स्वैच्छिक मध्यस्थता मध्यस्थता से तात्पर्य जब भी कोई औद्योगिक विवाद होगा कर्मचारी और आ, नियोक्ता के बीच में जब भी कोई विवाद होगा तो ऐसी विवाद की परिस्थिति में जो शैक्षिक मध्यस्थता की जाएगी और उस मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटारा किया जाएगा इसके पश्चात चौथी पंचवर्षीय योजना में सामूहिक सौदेबाजी और ट्रेड यूनियनों को मजबूत करने पर जोर दिया गया यह माना गया कि जब तक सामूहिक सौदेबाजी और और विशेष रूप से ट्रेड यूनियन मजबूत नहीं होंगे तब तक सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग पर्याप्त रूप से नहीं हो पाएगा और और कर्मचारियों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाएगा इस तरह से हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता मिला हुआ है इसके पश्चात अगर हम वैधानिक प्रावधानों को देखें विधिक प्रावधानों को देखें जो सामूहिक सौदेबाजी के संदर्भ में हमारे लिए उपयोगी हैं तो उसमें हमको मिलेगा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन अधिनियम ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन और उसके रिकग्निशन की बात करता है ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन अगर इस लॉ के तहत किया गया है तो उसका उसको मान्यता प्राप्त की जाएगी और वो एक, एक, एक बार्गेनिंग एजेंट के रूप में काम करता है इसके पश्चात इस संदर्भ में जो व्यापार विवाद अधिनियम उन्नीस है वहां पर भी सामूहिक सौदेबाजी के संदर्भ में प्रोविजन मिलेंगे, जिसको बाद में औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस आज के संदर्भ में वो प्रमुख विधि है जो औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसमें सामूहिक सौदेबाजी को पर्याप्त मान्यता मिला हुआ है जब सामूहिक सौदेबाजी और जब ट्रेड यूनियन के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी का यूज़ किया जाता है और और नियुक्ता के साथ समझौते पर बात की जाती है उन्नीस में बेलूर रिपोर्ट सबमिट किया गया था और ये बेसिकली एल्यूमिनियम कंपनी से संबंधित एक रिपोर्ट था जिसमें एल्यूमिनियम कंपनी में वर्किंग कंडीशन क्या है वर्कर की दशाएं क्या हैं उस पर एक, एक, एक रिपोर्ट तैयार किया गया था और, और इस रिपोर्ट का मानना था कि अनुकूल सौदेबाजी संबंध के लिए जिम्मेदार कारक है इसका यह मानना था कि एक अनुकूल सामूहिक सौदेबाजी एक औद्योगिक सुनिश्चित औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार कारक है अगर औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित करना है स्वस्थ और अच्छा औद्योगिक संबंध स्थापित करना है तो वहां पर आपको सामूहिक सौदेबाजी को एक जिम्मेदार कारक के रूप में यूज करना पड़ेगा उपयोग करना पड़ेगा श्रम पर राष्ट्रीय आयोग उन्नीस इसने अपना प्रतिवेदन उन्नीस में सबमिट किया था और सामूहिक सौदेबाजी की पश्चिमी अवधारणा भारत में उपयुक्त नहीं है श्रम आयोग का मानना था कि जो सामूहिक सौदेबाजी की पश्चिमी अवधारणा है वो भारत में उपयुक्त नहीं है लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना भारत में उपयुक्त नहीं है इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में भारत भारत के लिए जो सामूहिक सौदेबाजी की संकल्पना है उसका एक भारतीय स्वरूप हम यूज करें न कि एक पश्चिमी स्वरूप श्रम आयोग का यह भी मानना था कि नियोजित अर्थव्यवस्था के साथ इसका कोई सह अस्तित्व नहीं है इसके साथ ही साथ सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा और ट्रेड यूनियन की वैधानिक मान्यता अपरिहार्य है जब तक ट्रेड यूनियन को वैधानिक मान्यता नहीं दी जाएगी तब तक सामूहिक सौदेबाजी को नहीं बढ़ाया जा सकता और अगर सामूहिक सौदेबाजी को नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप अंततः औद्योगिक संबंध को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ श्रम आयोग का यह भी मानता मानना था कि हड़ताल और तालाबंदी का भी अधिकार होना चाहिए और हड़ताल और तालाबंदी के के रूप में इस अधिकार के रूप में सामूहिक सौदेबाजी का योग किया जाएगा और इस तरह से भारत में आज कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार है वो हड़ताल पर जा सकते हैं लेकिन वह विधि के माध्यम से विनियमित है आप उनकी शर्तों को पूरा करेंगे आप विधि के प्रावधानों की शर्तों का पूरा करेंगे उसके बाद ही आप हड़ताल पर जा सकते हैं सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग हड़ताल के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं इसके साथ ही साथ जब आप सामूहिक सौदेबाजी की बात करते हैं तो सामूहिक सौदेबाजी का राज्य विनियमन भी आवश्यक है सामूहिक सौदेबाजी के नाम पर ट्रेड यूनियन एक इतना बड़ा आकार न ले ले कि वो नियोक्ता के लिए एक चुनौती उपलब्ध कराए अगर कोई भी ट्रेड यूनियन सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से केवल और केवल नियोक्ता के लिए समस्या प्रस्तुत करता है और और या फिर ऐसी मांगों को उसके सामने प्रस्तुत करता है जो नियोक्ता के लिए असंभव है या फिर जो मांग बहुत नया नहीं है तो ऐसे में सामूहिक सौदेबाजी का एक गलत उपयोग भी हो सकता है तो यहाँ पर श्रम आयोग ने यह भी प्रस्तुति दी संस्तुति दी कि सामूहिक सौदेबाजी का राज्य के द्वारा विनियमन किया जाना चाहिए भारतीय नियोक्ता संघ की रिपोर्ट 1970 में सबमिट की गई थी और और इस, इस नियुक्ता सम के रिपोर्ट में सामूहिक सौदेबाजी की तीन तीन श्रेणियों पर चर्चा की गई थी पहला था सामूहिक सौदेबाजी सीधी बातचीत के माध्यम से पूर्ण स्वैच्छिक जहां पर नियुक्ता और कर्मचारी आपस में बैठकर के बात करेंगे यहां पर कर्मचारी गण उनका ट्रेड यूनियन सामूहिक सौदेबाजी का यूज़ कर रहा है दोनों स्वैच्छिक रूप से बात कर रहे हैं और उस स्वैच्छिक बातचीत के माध्यम से वो किसी भी औद्योगिक विवाद का निपटारा कर रहे हैं दूसरा जो स्वरूप है सामूहिक सौदेबाजी का वह सीधी बातचीत के माध्यम से है लेकिन स्वैच्छिकता और बाध्यता के तत्व दोनों सम्मिलित हैं यहाँ पर जो बातचीत होगा नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में वह स्वैच्छिक होगा लेकिन उस स्वैच्छिक बातचीत के स्वरूप जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय बाध्य होंगे उनको दोनों पक्षकारों को मानना पड़ेगा और तीसरा था यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्णय के बाद सहमति पुरस्कार निर्णय ले लिया जाएगा सामूहिक सौदेबाजी यूज करके नियोक्ता और कर्मचारी एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय को बाद में सहमति के माध्यम से सहमति के पुरस्कार के माध्यम से उसको उपयोग किया जाएगा उसको लागू किया जाएगा जहाँ तक भारत में सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ाने की बात है उसको बढ़ावा देने की बात है सामूहिक सौदेबाजी को जितना बढ़ावा दिया जाएगा यह सामाजिक सौदेबाजी कर्मचारियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा तो भारत में सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने के लिए यह माना जाता है कि सामूहिक सौदेबाजी को भारत की राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का अभिन्न अंग बनाया जाए जब तक आप सामूहिक सौदेबाजी को राष्ट्रीय औद्योगिक नीति का अंग नहीं बनाएंगे तब तक आप भारत में सौ सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे सामूहिक सौदेबाजी पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन जो हैं जो जो अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून अडॉप्ट किए हैं भारत को उनको नेहा लागू करना पड़ेगा तभी भारत में सामूहिक सौदेबाजी मजबूत प्रास्तुति प्राप्त कर सकता है इसके पश्चात भारत में सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एक एक इंडस्ट्री लेवल पर स्टार्ट की जा सकती है वह है सामूहिक सौदेबाजी को कॉर्पोरेट कार्मिक नीति के हिस्से के रूप में अपनाया जाना जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये सामूहिक सौदेबाजी को अपने यहाँ एक कॉर्पोरेट कार्मिक नीति उनके यहाँ जो कॉर्पोरेट और वर्कर की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में जगह दें और उसको वहाँ पर मान्यता दें और इस माध्यम से एक एक, एक छोटे छोटे सेटअप में सामूहिक सौदेबाजी को उपयोग में लाएँ इसके साथ ही साथ अगर सामूहिक सौदेबाजी को भारत में बढ़ावा देना है तो ट्रेड यूनियन को सामूहिक सौदेबाजी का एक एजेंट मानना पड़ेगा अगर इनको एक एजेंट के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ ये ट्रेड यूनियन ये पंजीकृत ट्रेड यूनियन सामूहिक सौदेबाजी के एक पंजीकृत एजेंट हैं तो ऐसे में सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा मिलेगा और वो ट्रेड यूनियन सामूहिक सौदेबाजी को, को का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम होंगे इसके साथ ही साथ अगर आप सामूहिक सौदेबाजी के बढ़ावा की बात कर रहे हैं बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो आपको लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियनों को बढ़ावा देना होगा जितने भी ट्रेड यूनियन हैं ट्रेड यूनियन के अंदर खुद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का का पालन किया जाना आवश्यक है अगर कोई ट्रेड यूनियन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है तो वो ट्रेड यूनियन हो सकता है कि सामूहिक सौदेबाजी को सुचारू रूप से आ, आगे न बढ़ा पाए क्योंकि वो खुद अलोकतांत्रिक मूल्यों पर कार्य कर रहा है तो ऐसे में आपको पहले ट्रेड यूनियन में आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना होगा एक महत्वपूर्ण जो आ, कारक है जो जो भारत में सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ाने में एक एक बाधा के रूप में देखा जाता है वह है ट्रेड यूनियनों का राजनीतिक दलों से जो संबंध है जो राजनीतिक मूल्य हैं जो राजनीतिक आदर्श हैं उन आदर्शों उन मूल्यों का ट्रेड यूनियन के द्वारा अनुसरण किया जाना कभी कभी सामूहिक सौदेबाजी के लिए एक 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 खतरा उत्पन्न करता है और सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने में वो सफल नहीं होता है सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से औद्योगिक विवादों के आपसी समाधान को बढ़ावा देना अगर नियोक्ता और कर्मचारी आपस में सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग करके किसी औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा इसके बाद भारत में 2020 में औद्योगिक संबंध संहिता बनाया गया है ये संहिता अभी लागू नहीं है इस संहिता में भी औद्योगिक संबंध के संदर्भ में सामूहिक सौदेबाजी को विकसित करने के लिए प्रोविजन लाए गए हैं और, और सामूहिक सौदेबाजी के प्रयोजनों के लिए ट्रेड यूनियन को संगठित करने उन्हें मान्यता देने और और एजेंट के रूप में स्वीकार करने की बात की जा रही है अंत में अगर हम इस व्याख्यान के सारांश की बात करें कि हमने इस व्याख्यान में क्या क्या बातें की तो इस व्याख्यान में हमने सामूहिक सौदेबाजी के अर्थ और संकल्पना को समझने का प्रयास किया इसके पश्चात सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया तस्पश्चात हमने सामूहिक सौदेबाजी के विभिन्न उद्देश्य किन उद्देश्यों के लिए सामूहिक सौदेबाजी आवश्यक है ये हमने चर्चा की सामूहिक सौदेबाजी के विषय क्या है उस उस को हमने विस्तृत में चर्चा की सामूहिक सौदेबाजी के पक्षकार कौन कौन है नियोक्ता कर्मचारी इनके ट्रेड यूनियन या फिर सामूहिक सौदेबाजी की पूर्व अपेक्षाएं क्या है आवश्यकताए क्या है इस पर हमने चर्चा की इसके पश्चात हमने भारत में सामूहिक सौदेबाजी के उप, उभरते मुद्दे कौन कौन से उभरते मुद्दे हैं इस पर हमने केंद्रित किया और और भारत में सामूहिक सौदेबाजी के विकास में क्या क्या बाधाएं हैं उस बाधाओं का हमने संक्षेप में चर्चा किया भारत में सामूहिक सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा की गई उस व्याख्यान में और अंत में औद्योगिक संबंध संहिता में क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी को भारत में बढ़ावा दिया जा सके इसकी भी चर्चा हमने की है तो ये जो हम लोगों का व्याख्यान था सामूहिक सौदेबाजी और इसका श्रमिकों के लिए जो महत्व है इस विषय पर हम लोगों ने व्याख्यान को कंप्लीट किया धन्यवाद